Hinduism to other parts of the world. For example, क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ग्लोबल ड्राइव है कि वो अपने ग्लोबल मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, कि वो समझते हैं कि जैसे जैसे इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस दुनिया के साथ ठीक हो रहे हैं, श्री राम मंदिर की तरह एक बहुत बड़ा मंदिर दोस्तों जो 700 करोड़ की लागत से बना है ये मंदिर, और नरेंद्र मोदी जी आपको पता है कि इस टाइम यूएई में है और कल इसी मंदिर जाएंगे दोस्तों। इस मंदिर को लेकर दुबई में आपको पता है कि इस मंदिर के अंदर जो कुछ इस्तेमाल हुआ है, जैसे रॉ की साजिश है, रॉ का क्या ताल्लुक है, खराब है रॉ के इलेक्शन, वो सियासी जमात है, वो एक इंटेलिजेंस तंजीम है उनकी, इंडिया की आर्मी की जैसे हमारी आईएसआई है, दुनिया के हर मुल्क की इंटेलिजेंस। जैसा कि दोस्तों आज सभी को मालूम होगा कि दुबई और भारत के बीच किस प्रकार से बेहतर रिलेशन जो कि दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को दोस्तों बता दें कि यह रिलेशन देखते हुए दुबई ने बनाया है 27 एकड़ में एक मंदिर जो कि राम मंदिर बनाया हुआ है दुबई में, की लागत दोस्तों बताया जा रहा है 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है यह मंदिर। आप सभी को बता दें कि मोदी जी वहां पर प्रवेश कर चुके हैं, इसका 24 फरवरी को इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन हुआ है यूएई में। देख रहे पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, देखते हो दोस्तों पाकिस्तान। दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ही इज ऑन दिस कंक्लूजन एंड ही इज ऑन दिस ड्राइव टू एक्सपोर्ट हिंदुइज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ग्लोबल ड्राइव है कि वो अपने ग्लोबल मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, कि वो समझते हैं कि जैसे जैसे इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस दुनिया के साथ ठीक हो रहे हैं, इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट द रिलीजन एज वेल टू दीज कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज इन यूएई और वो जा रहे हैं वहाँ पे किस लिए, द ओनली पर्पस इज कि वो वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। यूएई के अंदर अयोध्या श्री राम मंदिर की तरह एक बहुत बड़ा मंदिर दोस्तों जो 700 करोड़ की लागत से बना है ये मंदिर, और नरेंद्र मोदी जी आपको पता है कि इस टाइम यूएई में है और कल इसी मंदिर जाएंगे दोस्तों। इस मंदिर को लेकर दुबई में आपको पता है कि इस मंदिर के अंदर जो कुछ इस्तेमाल हुआ है, जैसे सरिया स्टील वगैरह, इसमें सब कुछ नक्काशी से हुआ है, यहाँ पर सब कुछ नक्काशी से बनाया गया है, बहुत ज्यादा जो है दोस्तों इसके ऊपर खर्चा आया है, और यहां तक के नॉर्मल जो रेत और बजरी होती है वो भी हिंदुस्तान से लाकर इसके अंदर यूज की गई है। आज 70 साल में आबादी 25 करोड़ की कर दी है, लीडर नहीं कर सके हैं क्योंकि हमारे अंदर इतनी इस कॉम में सलाहियत नहीं है, लिटरेसी रेट पुअर होने की वजह से। आप ये देखें कितने परसेंट लोग अखबार पढ़ रहे हैं, आप किसी से आप कोई सवाल पूछ लें इंटरनेशनल अफेयर्स पे, कुछ डोमेस्टिक अफेयर कुछ नहीं पता, मईशत क्या चीज़ है, IMF क्या चीज़ है, हमारी GDP का क्या ग्रोथ है, कुछ नहीं पता है। तो जिस कॉम का ये लेवल हो, उनकी जो मुंतखब किए हुए लोग होंगे उनका क्या मियार होगा, उनका क्या मियार होगा। इसके पीछे रॉ की साजिश है, रॉ का क्या ताल्लुक है, खराब है रॉ के इलेक्शन, वो कोई सियासी जमात है, वो एक इंटेलिजेंस तंजीम है उनकी, इंडिया की आर्मी की जैसे हमारी ISI है, दुनिया के हर मुल्क की इंटेलिजेंस तंजीम है, उन लोगों का काम होता है अपने मुल्क की सिक्योरिटी। सो हर महीने इतने हाईएस्ट लेवल पे इंडिया और यूएई की मुलाकातें हो रही हैं, दैट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दैट्स वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसको जो से कहते हैं ना, आसानी लेना चाहिए। और ये जो इंडिया यूएई का जो रिलेशनशिप है, ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इज़ कैपेबल इनफ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लीडरशिप ऑफ द यूएई। एक तो जाहिर बात है इसका ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से भी है कि इंडियंस इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं, दैट दे हैव ऑलरेडी विन the people of United Arab Emirates with the work, और वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एक important चीज़ है। पाकिस्तानी कौम नाहिल है, करप्ट है, नाहिल है, ठीक है। अब ये कितनी बदकिस्मती की बात है
कि जिन लोगों ने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया, इंक्लूडिंग इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, ठीक, आज वही लोग हैं इलेक्ट होकर आए, हम क्या बेहतरी की आप उम्मीद करेंगी? आप इनसे आप क्या, इनमें से आप किसी को कह सकती हैं कि चांस नहीं मिला है? धांधली हुई है इलेक्शन में? धांधली हर इलेक्शन में होती है। यूएई जो है हिंदुस्तान के काफी और ज्यादा करीब आ चुका है। इस मंदिर पे बहुत टाइम से काम चल रहा था, जिसका ये काम दोस्तों अब पूरे होने को जा रहा। ज्यादातर मटेरियल दोस्तों, यानी कि 100 में से 90% मटेरियल जो है वो हिंदुस्तान से लाकर इसमें यूज की गई है। और नरेंद्र मोदी जी भी जो है वो इसीलिए यूएई गए हुए हैं। इस चीज को लेकर वहां पर रहने वाले पाकिस्तानियों की आंखों पर अंधेरा छा गया है, क्योंकि भाई हिंदुस्तान में जब अयोध्या श्री राम मंदिर बनाया जा रहा था या बन गया था, तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन या पाकिस्तान के लोग काफी ज्यादा इस बात को लेकर चिल्ला रहे थे। यहां तक के दुनिया में जाकर वो इस बात को, इस इशू को उठा रहे थे कि यार ये देखो, ये इतना जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है, मंदिर बना रही है कैसी जगह जहां पर मस्जिद को गिराया गया है। लेकिन अब यूएई के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स या बहुत सारे इनके पॉलिटिशियन यूएई में रहते हैं, और यूएई से वो लोग बैठकर जो है अयोध्या श्री राम मंदिर पर बात कर रहे थे। अब इस मंदिर को लेकर यूएई के अंदर वो लोग क्या बोलेंगे, क्या उनको बोलने का हक दिया जाएगा? 27 एकड़ के अंदर ये इतनी एक डेलिकेट, जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि वो कार्विंग की गई है। अगर आप इस मंदिर को देखें तो जस्ट लुक के वो क्या उन्होंने उसको जो उसका जो आर्किटेक्चर है उसको किया। और ये इसका आपको पता है 2015 में ही ये वो किया गया था, फैसला किया गया था, और दो उस वक्त ज़मीन भी दी थी उन्होंने। और ये एक, जिसे कह लें कि ये एक कल्चरल आउटरीच है, ये एक रिलीजियस आउटरीच है, ये एक सिविलाइजेशनल आउटरीच है इंडिया की, जो कि दैट इज रीचिंग इन 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 यूएई। दोस्तों सभी लोगों ने वीडियो देखा पाकिस्तानियों को, जाकर पाकिस्तानियों को यह बात सुनकर हुई हैरानी कि दुबई में मंदिर बनाया गया, वो भी हिंदू टेंपल, वो भी इतना बड़ा मंदिर 700 करोड़ की लागत में, और इतना बड़ा 27 एकड़ की जमीन पर, रकबे पर बनाया गया है एक मंदिर। क्या सभी को बताओ कि पहले ये हुआ करता था दुबई और भारत के बीच इतने खास रिलेशन अच्छे नहीं थे, जिस प्रकार से पाकिस्तान और दुबई के बीच अच्छे रिलेशन थे। लेकिन समय के साथ आप सभी को बताओ कि सबका दिन आता है, इस प्रकार से आप सभी को बताओ कि आज के समय भारत का कितनी वैल्यू दुनिया में बन चुकी है, भारत का नंबर आया है पूरी दुनिया को चलाने के हिसाब से। मंदिर के दूर को पाकिस्तानियों को हैरानी हो रही है कि इस्लामिक कंट्री में क्यों हिंदुओं का मंदिर बनाया जा रहा है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि दुबई में करीब 80-90% जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सारे भारतीय लोग ही बिजनेस करते हैं, इस वजह से यूएई की जो कि इकोनॉमी भी जल्द से जल्द बूस्ट करती है। पाकिस्तानियों को सभी को बता दें, पाकिस्तानियों को इतना सेक्शन लगाया है दुबई में जाने के लिए, उतना दुनिया कोई विदेश में सेक्शन नहीं लगाया गया है दुबई सरकार द्वारा। 5000 दिरहम अगर नहीं पाकिस्तानियों के अकाउंट में होगा तो पाकिस्तानी प्रवेश नहीं कर पाएंगे यूएई, क्योंकि यूएई सरकार जो कि पाकिस्तानियों से परेशान हो चुकी है, वहां पर जाकर भीख मांगकर वहां पर जो है कि चोरी चमारी करते हैं और वहां से लापता हो जाते हैं। सुबह से ऐसा फैसला लिया है यूएई की गवर्नमेंट ने। आप लोगों को दोस्तों क्या कहना है मंदिर बनाने के हिसाब से, कमेंट से जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो।